हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी ज्ञान। जैसे कि आप लोगों ने हमारे साथ कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबाइड और इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को करे थे, आज हम लोग एक अच्छा जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, कटिंग ऑफ क्यूब। अब हम लोग इस बड़े वाले क्यूब से एक छोटा वाला क्यूब कट करेंगे जिसकी साइड बी है। ये बी साइड का एक छोटा जो है क्यूब हम कट करेंगे और इसके कॉर्नर से कट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्यूब है, एक क्यूब में से यहाँ पर हम लोग जो है एक छोटा सा क्यूब को कट करेंगे तो उसकी साइड क्या होगी, बी। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए, अब इसका वैल्यूम अगर आपको निकालना है तो वैल्यूम बहुत ईजी है भाई। ए क्यूब में से आप बी क्यूब माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा इसका वैल्यूम का। जो बचा रिमेनिंग पार्ट है उसका अगर वैल्यूम निकालना है तो वी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा वैल्यूम का। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया इस पार्ट का। इससे जब हम लोग कट कर लेंगे तो इस पूरे पार्ट का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, आपको एक साइड ये एक जो है फलक ये दिखेगा, एक फेस ये दिख रहा है और एक फेस ये दिखेगा, ये तीन फेसेस दिखेंगे। अब देखिए, जो तीन फेसेस से जो है यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये तीन फेसेस हमें दिख रहे हैं, तो ये तीन फेसेस को इसको अगर हम यहाँ कट करेंगे तो तीन फेसेस हम लोगों ने निकाल लिए, तीन फेसेस निकाल लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, 6a² तो बड़े वाले क्यूब का पूरा पूरा टोटल सरफेस एरिया तो हो गई होगा, हमारे कितने फेस इससे चले गए छोटे वाले, माइनस का 3b² चले गए। अब एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, इसके 1, 2, 3 फेसेस तो चले गए, हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे, यानी कि 3। इसके अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो यहाँ से तीन फेसेस तो ये गायब हो गए और यही फेस सामने अगर फ्रंट पे देखेंगे तो जगह बन जाएगी, तो अंदर जो है तीन फेसेस फिर से जो है नए क्रिएट हो जाएंगे, तो उसमें भी तो हमारा टोटल सरफेस एरिया, उसमें भी तो कपड़ा लगेगा, उसमें भी पेंट करना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे, थ्री फेसेस के गए हैं तो रिमेनिंग कितने बचे, 3b² और बच गए, तो ये जो है कट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हम लोग 6a² दे सकते हैं। यानी कि ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर जो है कोई भी क्यूब हो और उसके कॉर्नर पर हमेशा अगर किसी भी छोटे ब्लॉक को कट किया जा रहा है, चाहे वो क्यूबाइड से एक कॉर्नर पर ब्लॉक को कट किया जाए या फिर एक क्यूब से किसी कॉर्नर पर ब्लॉक को कट किया जाए, तो हमेशा उस क्वेश्चन का आंसर 6a² आएगा। ये इस बात पर डिपेंड नहीं होगा कि यहाँ पर आप कितना बड़ा क्यूब कट कर रहे हैं, बशर्ते ए इज़ ग्रेटर देन बी होगा, वो तो अंडरस्टूड है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी होगा, वरना क्यूब कटेगा ही नहीं। ठीक, तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 6a², इसमें ये इग्नोर करेंगे कि इसके जो है साइड से कोई भी ब्लॉक कट किया गया है। तो केस फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि इसका आंसर 6a² आएगा। ओके, कैसे आएगा, 3D आप एक बार और जो है देख समझ लीजिए। जैसे कि एक ये क्यूब है, इस क्यूब में से हम इसके कॉर्नर से एक जो है पीस को कट कर रहे हैं। ठीक, तो एक फेस यहाँ आएगा इसका, एक फेस यहाँ आएगा, एक फेस यहाँ आएगा, एक फेस यहाँ आएगा, तो ऐसे जब हम पकड़ेंगे तो तीन तीन जगहों से हम पकड़ लेंगे तो तीन फेसेस हमको इसको दिखेंगे, तीन फलक दिखेंगे, तो तीन फलक तो हमारे ये गायब हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन रह कितने जाएंगे अंदर, जब जगह बनेगी अंदर तो यहाँ पर तीन फेसेस और क्रिएट हो जाएंगे न्यू, तो इसके वजह से ये जो थ्री फेसेस हैं इन थ्री फेसेस से ये कट हो जाएगा और डायरेक्ट आ जाएगा 6a². जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है, इसके कोने से 3 सेंटीमीटर का घन काटा जाता है, शेष घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है इसमें, और ये 2018 SSC ने इस क्वेश्चन को पूछा था। देखिए, अब क्वेश्चन वही कह रहा है कि आपका ये जो है क्यूब है, एक ये घन है, और इस घन के इस कॉर्नर से एक क्यूब को कट किया जा रहा है, कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है, यानी कि अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। यानी कि जो है ये हम जानते हैं कि जब भी कॉर्नर पर कोई भी क्यूब को कट करेंगे आप, तो हमेशा ये ध्यान रखिए वो इस बात पे डिपेंड नहीं होगा कि उस पर कॉर्नर पर कितने सेंटीमीटर का क्यूब कट किया जा रहा है, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब रहेगा जो पुराना है। ओके, यानी कि देखिए, ये आंसर कहीं हो नहीं सकता है, ये आंसर कभी होगा नहीं। ठीक, अब 654 आंसर ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें ये पता है 6a² होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a², यानी कि 6 × 10 × 10
पहली बात यूनिट डिजिट सही अगर आप देख लें तो इसके किसी भी क्वेश्चन ऑप्शन में सिर्फ इसको छोड़ करके किसी कहीं पर भी यूनिट डिजिट जीरो नहीं है। दूसरी बात हम लोगों को जो है यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 600 आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन में एक बड़ा सा ब्लॉक है, इस ब्लॉक की साइड पर यानी कि ये जो एजेस है इस साइड पे हम लोग जो है एक बीच में जो है क्यूब को कट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्यूब की लेंथ जो है बी है, बी साइड की क्यूब को हम लोग कट करेंगे और कट करके यहाँ पर हम लोगों ने निकाल दिया है ये, तो फिर से वही बात होगी, इसका वैल्यूम वैल्यूम निकालना बहुत आसान है। वैल्यूम निकालने के लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर देंगे तो इजीली वैल्यूम निकल आएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। टोटल सरफेस एरिया के लिए फिर से हम लोग वही चीज़ करेंगे। देखिए जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं कि एक ये क्यूब है, एक ये क्यूब बना हुआ है और इस क्यूब में हम लोगों ने इसकी साइड पर ये एक क्यूब को कट कर लिया है, इस क्यूब को कट कर लिया है। जब हम इसको ऐसे जो है टच करके बाहर खींच के निकालेंगे तो ये जो है इसके दो फेसेस को ही हम लोग टच कर पाएंगे, कि ये फेस को टच करेंगे कि ये फेस को टच करेंगे, तो हमारे जो है फेस कितने जो है जा रहे हैं, कितने हमारे जो है घट रहे हैं फेसेस, दो फेसेस। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है इस कटी हुई आकृति का तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 6 ए स्क्वायर तो इसका पूरे का टोटल सरफेस एरिया होता ही है। अब हमारा कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बी साइड ये है, बी लेंथ ये है, तो बी स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर यानी 2b² सब्ट्रैक्ट हो रहा है हमारे, तो माइनस का 2b² यहाँ कर देंगे। लेकिन इसके जो है चले जाने से अंदर जगह बन गई, अंदर जो जगह बनी वो कौन सी बन रही है, अब इसमें दो टू फेसेस जब चले जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने, 4 फेसेस, क्योंकि एक क्यूब में टोटल फेसेस 6 होते हैं, तो 6 में से 4 अब बचेंगे। तो 4 कौन कौन से बचेंगे, देखिए एक तो फेस नीचे वाला बचेगा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये साइड वाला, तो ये चार फेसेस बचेंगे। तो हम लोग 4a² यहाँ कर लेंगे, तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया आपको जब भी निकालना होगा तो 6a² 2² प्लस 4² माइनस तो प्लस का 2b² तो क्या यहाँ क्या कर लेंगे 2b², तो इसका टोटल सरफेस एरिया 6a² प्लस 2b², इस तरीके से इस क्वेश्चन का टोटल। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन सीखेंगे, एक घन जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसके एक भुजा से 4 सेंटीमीटर का घन काटा जाता है, शेष घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्यूबाइड क्यूब है और इस क्यूब में से आप लोग इसके किसी कोने से एक जो है इसकी एक भुजा से एक 4 सेंटीमीटर का घन को कट किया जा रहा है, यहाँ से आप घन कट कर लीजिए। तो जैसे घन जो आप कट करेंगे इसकी भुजा से तो ये रहेगा इस तरीके से, कुछ घन कट के बाहर निकलेगा। तो देखिए इस जब यहाँ से हम लोग घन कट करेंगे तो एक ये फलक इसका और एक ये फलक, यानी कि ये दो फेसेस का एरिया हम लोगों का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर ये बी साइड का है घन तो क्या होगा, इसका पूरा टोटल इस पूरे का घन का जो है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a² और इसमें से दो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो 2b², लेकिन इसके दो फलकों को घटाने के बाद अंदर जगह बन जाएगी और वहां पर 4 फेसेस आपको दिखने लगेंगे। तो जब 4 फेसेस आपको दिखने लगेंगे तो आपको वहां भी कलर करना पड़ेगा, वहां भी आपको जो है कवर सरफेस एरिया वहां भी तो आपको मिलेगा। तो देखिए दो फेसेस तो इस घन से दो फेसेस तो चले गए बट रहे कितने गए, 4। तो अब क्या होगा, 6a² प्लस का 2b², यानी कि इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहेगा सॉल्यूशन का वो इस तरीके से कुछ रहेगा। तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे और आंसर ले लेंगे, तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो 8 का है तो 8 × 8 प्लस 2 × b की वैल्यू कितनी है, 4 × 4। ओके तो 8 × 8 = 64, 64 और 6 = 364। ओके प्लस 4 × 16 = 32 और जब इसमें ये ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 × 2 = 6, 8 × 3 = 11 और 3 × 1 = 4, यानी कि 416 आंसर इसका आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका होगा। तो इस तरीके से आपने समझा कि जो है जब इस घन से हम लोग ऊपर वाली यहाँ से साइड से ब्लॉक को कट करेंगे आप, तो क्या होगा कि जो है दो फेसेस कम होंगे
और चार फेसेस बढ़ जाएंगे तो हमारे इफेक्टिव फेसेस कितने होंगे, टू, यानी कि सिक्स ए स्क्वायर प्लस का टू बी स्क्वायर अगर हम लोग कर देंगे तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग जो है थर्ड केस देखेंगे। इस देखिए हम लोगों ने अभी तक की जो है क्यूब में क्या किया, एक क्यूब में उसके जो है साइड मतलब कॉर्नर किनारे पर से ब्लॉक को हम लोगों ने निकाल लिया, उसके साइड पर निकाल लिया। अब हम लोग उसके बीच में से जो है क्यूब को निकालेंगे। अब एक बड़े से क्यूब में से छोटा क्यूब अगर हम लोगों को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे ए साइड का ये बड़ा सा क्यूब है और छोटा बी क्यूब मुझे निकालना है, तो देखिए जैसे मतलब इसमें जो है ये पूरा पूरा क्यूब है, इसमें छोटा मुझे निकालना है, तो यहाँ पर आप जो देखेंगे वो आप किस सरफेस को टच कर पाएंगे, सिर्फ एक सरफेस होगी जिसे आप टच कर पाएंगे, एक सरफेस होगी जिसे आप टच कर पाएंगे। जैसे आपको ऐसे निकालना है तो एक ही सरफेस तो टच कर पाएंगे, एक सरफेस आपकी जो है सब्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन एक सरफेस के हटने के वजह से जो अंदर जगह बन गई वो टोटल कितनी फेसेस हो गए, सिक्स फेसेस में से फाइव फेसेस बच गए, पांच जो है फलक इसमें नए क्रिएट हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी हम लोगों को पेंट करना पड़ेगा, वहाँ पर भी हम लोगों को कवर्ड करना पड़ेगा। तो कवर्ड करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका टॉप व्यू अगर देखेंगे, टॉप व्यू ऊपर से ये फेस जो है आपका चला जाएगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना अगर है आपको, वॉल्यूम में हमेशा जो है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो है बड़े से क्यूब एक ए क्यूब में से बी क्यूब माइनस कर दीजिए आपका वॉल्यूम निकल आएगा, बट हमेशा टोटल सरफेस एरिया में ध्यान रखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया इस बड़े से क्यूब का जो है सिक्स ए स्क्वायर क्यूब जो है टोटल सरफेस एरिया होगा। और जब हम इसके ब्लॉक को निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसके जो है एक सरफेस तो ये चला ही गया है बी स्क्वायर, एक सरफेस चला गया आपका बी स्क्वायर का, लेकिन क्रिएट कितने हो गए, पांच नए और क्रिएट हो गए, बोलिए पांच और नए क्रिएट हो गए, तो टोटल हमारे कितने हो गए, सिक्स ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर। तो यानी कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग हमेशा ये जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, यानी सिक्स ए स्क्वायर प्लस का फोर बी स्क्वायर हम लोग करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। बस बशर्ते ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कॉर्नर पर यहाँ पर जब भी आप अगर को यहाँ पर अगर आप जो है जब भी कट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर आप ब्लॉक को कट कर लीजिए, इस ये ब्लॉक कितनी भी लंबाई का आप निकाल लीजिए, इस पर कोई इस पर डिपेंड ही नहीं होता है, इस बात पे डिपेंड नहीं होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया विल ऑलवेज बी सिक्स ए स्क्वायर। बट अगर हम लोग इसकी साइड पे यहाँ पर निकालेंगे और ये जब बीच में निकालेंगे तो वहाँ पर इफेक्ट आएगा, इफेक्ट क्या आएगा, जब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो दो यहाँ से जब निकालेंगे इसकी एजेस से साइड से किनारे से जब हम लोग निकालेंगे तो इसके दो फेसेस जो है जा रहे हैं और चार फेसेस नए आ जाएंगे, तो इफेक्ट कितने का आया, यहाँ पर दो फेसेस का इफेक्ट आया। और उसी तरीके से यहाँ पर कितना इफेक्ट आएगा, इस पर कितना आएगा, फोर बी स्क्वायर का। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ सिक्स ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि एक इस पे जो है स्ट्रिंग धागा लपेटने की बात करता है। जब भी क्वेश्चन धागा लपेटने की बात करता है क्यूब में तो उसके एक वर्टिसेस ये नीचे वाली, यानी कि एक शीर्ष ये आपका और दूसरा हॉरिजॉन्टल शीर्ष ये, यानी कि जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस शीर्ष से यानी कि इस पॉइंट तक आपको धागा लपेटना है इसे चारों तरफ, ओके ऐसे लपेट करके यहाँ लेके आएंगे धागा, ठीक। तो इस तरीके की क्वेश्चंस को जब भी जो है पूछा जाता है तो हमेशा क्या गलती हो जाती है, वो ना करके हम लोग सीधे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो हमसे कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो अब हम लोग आइए सीखते हैं। तो देखिए धागा यहाँ लपेटा, यहाँ से जो है यहाँ आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ये फेसेस जाएगा ऐसे यहाँ तक पहुँचेगा, फिर क्या आएगा यहाँ तक ऐसे पहुँचेगा, फिर क्या होगा, फिर यहाँ ऐसे सीधा पहुंच जाएगा। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओपन कर दें, तो चार फेसेस इसके ऐसे ओपन दिखेंगे आपको, चार फेसेस इसके आपको पूरे आप बना लीजिए ओपन। तो ए साइड का ये था ही, ए साइड का ये भी है, तो टोटल ये फोर ए हो जाएगा आपका, टोटल ये कितना हो जाएगा, फोर ए, बताइए
ये 4a हो जाएगा भाई आपका, ये क्या हो जाएगा ए साइड ये भी हो जाएगी आपको। अब आपका जो धागा होगा कुछ इस तरीके से बनता हुआ जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका धागा ये बनेगा ठीक। तो अब क्या करेंगे इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम भाई क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहेगी हमेशा आपसे, पाइथागोरस थ्योरम ये कहेगी कि भाई 4a का ये है और आपका ये साइड क्या है, यहाँ 90 डिग्री है, ये a है। तो पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे कि 4a का स्क्वायर, यानी कि अगर हम लोगों की स्ट्रिंग s की लंबाई फाइंड करनी है, स्ट्रिंग इस धागे की लंबाई को फाइंड करना है, तो आप 4a का स्क्वायर कर दीजिए प्लस a का स्क्वायर कर दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए, तो यही हमारी लेंथ आ जाएगी। तो 4a का स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यानी कि टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पे 17a स्क्वायर, यानी कि स्ट्रिंग की जो लंबाई होगी अंडर रूट 17a होगी, यानी स्ट्रिंग की लंबाई जो धागा जो लपेटा जाएगा उसकी लेंथ क्या होगी ए रूट 17। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। हम लोग इस टाइप का एक क्वेश्चन देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, ये ए साइड का क्यूब है, ए साइड का ये क्यूब है, सब ए साइड के क्यूब्स को आपने सटा के रख दिया है कुछ इस तरीके से ठीक, एक स्टारनुमा आकृति के रूप में आपको आपने इन सारे क्यूब्स को सटा के रखा हुआ है। तो इसका इसका वैल्यूम निकालना बहुत आसान है, वैल्यूम बहुत आसान होता है। वैल्यूम निकालने के लिए ए क्यूब एक साइड का वैल्यूम, एक क्यूब का वैल्यूम होता है टोटल कितने 5, 3 और 2 5, तो 5 इंटू ए क्यूब कर देंगे तो डायरेक्ट वैल्यूम निकल आएगा इसका। हम लोग यहाँ वैल्यूम की ना बात करके इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया आपको इसका बताना है क्या होगा ठीक। अब देखिए जब भी जैसे कि ये क्यूब आप देख रहे हैं, इस क्यूब को जब हम ऐसे दीवार की तरफ सटा देंगे तो यहाँ पर एक फेस ये आपको दिख रहा है, दूसरा ये आपके सामने, तीसरा नीचे है और चौथा ये है, पांचवा ये, यानी कि जब भी किसी चीज को किसी क्यूब को हम सटा देंगे तो उसके पांच ही फेसेस आपको दिखाई देंगे। जब आपको सिर्फ पांच फेसेस दिखाई देंगे तो यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है समझने के लिए कि इसका जो है टोटल सरफेस एरिया इस क्यूब का अलग से टोटल सरफेस एरिया 5a स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही इसका भी क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर, बोलिए ऐसे ही सेम इसका 5a स्क्वायर और ये 5a स्क्वायर, बोलिए। तो टोटल ये सार ये जो है जो साइड्स में है इनके एरिया हमेशा इसके एरिया 5a स्क्वायर हो गए। अब देखिए ये जो क्यूब बीच में रखा हुआ है ऐसे, तो इस साइड सब तो जो है सट गए, तो इसमें जो है ऊपर एक फर्श ऊपर रह गई और एक इसके नीचे रह गई, तो यानी कि यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो 2a स्क्वायर मिलेगा, बोलिए 2a स्क्वायर मिला। अब 2a स्क्वायर को करने के लिए हम लोग दो 5 × 20, तो 20a स्क्वायर प्लस बीच में जो दो सरफेस आपको दिख रही हैं, एक ऊपर का टॉप व्यू और एक नीचे का a स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से करेंगे। अगर हम यहाँ पर एक क्यूबाइड बनाएं और 3a उसकी लेंथ लें और फार्मूला लगाएं 2 (lb + bh + hl) और वहां से हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने की कोशिश करें तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीख के हम लोग डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे। ये CDS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में CDS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें करते रहेंगे। एक बहुत अच्छा CDS में क्वेश्चन पूछा गया था कि उसका हम आपको टोन बता दें, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जैसे कि ये क्यूब है, इस क्यूब में इसके एक साइड इसके एक जो है सिरे पे एक वर्टिसेस पे एक पॉइंट पे चीटी जो है और उसको जो है दूसरे वर्टिसेस पे अपोजिट जो वर्टिसेस है ये वाला यहाँ से यहाँ वहाँ इसको चीटी को जाना था, तो चीटी मिनिमम डिस्टेंस किधर से ट्रेवल करेगी जो मिनिमम डिस्टेंस हो। तो कुछ लोगों ने इसका आंसर क्या दिया हम आपको दिखाते हैं कंटिन्यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्यूब हमने बनाया,
अब इस सिरे से यहाँ तक कि चींटी को जाना है, तो चींटी कुछ लोगों ने आंसर क्या दिया भाई, डायगोनल होता है तो ए रूट थ्री दे दिया। उसमें ऑप्शन भी था ए रूट थ्री, ए रूट थ्री पहला ऑप्शन, दूसरा रूट टू ए प्लस वन, इस तरीके से कुछ था। और बाकी जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो ये एक्चुअली क्या हो गई, रूट थ्री ए है, तो चींटी उड़ के तो जाएगी नहीं। तो कुछ बच्चों ने कहा कि चींटी इधर से जाएगी, ऐसे एक्चुअली उसमें क्वेश्चन कह रहा था मिनिमम डिस्टेंस आपको बताना है, मिनिमम डिस्टेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं क्लास में अक्सर पूछता हूँ, तो इसमें बहुत सारे जो है बच्चे गलत आंसर इसका देते हैं। तो जैसे कि ये ए साइड हो गई, ये ए साइड हो गई, तो ये क्या हो गया भाई, ए रूट टू हो गया, ए रूट टू हो गया। यहाँ पर ए ना हो, यहाँ पर वन ए था, ओके, तो ए रूट टू प्लस ए। कुछ बच्चों ने कहा कि इधर से ऐसे जाएगी और ऐसे, तो मतलब ए ए रूट टू प्लस ए, इस तरीके से ए रूट टू प्लस ए आंसर तो कुछ बच्चों ने दिया, कुछ बच्चों ने ये दिया। बट मिनिमम डिस्टेंस की बात करी जा रही है इस क्वेश्चन में, तो हम आपको अब दिखाते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस किधर से ट्रैवल करेगी। चींटी को जाना है यहां से और इस पॉइंट तक, इस वर्टिसेस से इस वर्टिसेस तक जाना, इस शीर्ष से इस शीर्ष तक, ओके। तो सबसे पहले काम देखो, वो डायगोनल इसके डायगोनल अंदर से बनेगा, तो चींटी उधर से तो जाएगी नहीं। चींटी एक काम ये भी कर सकती है कि नीचे से ऐसे चली जाए और ऊपर चढ़ जाए, वो भी। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस के लिए जब क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेशली, तो हम लोग किधर से ट्रेवल करेंगे, ऐसे, ये इधर ऐसे जाएगी और ये फिर ऐसे। यानी कि इसका जब हम स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, इसका जब स्ट्रक्चर हम आपको ओपन करके दिखाते हैं, हालांकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन अब तक एसएससी ने नहीं पूछा है, लेकिन ये मान के चलिए कि आने वाले समय में एसएससी आपसे इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछेगी। तो ये ए साइड हो गई आपकी और ये ए साइड हो गई। हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसी पर एक क्वेश्चन किया था, तो प्लीज उसे वॉच करें और वहां से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं, तो उनको भी सीखें। तो देखिए ये ए साइड हो गई, ये ए साइड हो गई, तो ये जो है सीधा इधर से जाना है ऐसे। तो देखिए यहाँ ये क्या हो गया, टू ए और ये ए, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है अगर ये टू ए है, तो टू ए स्क्वायर मतलब फोर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि फाइव ए स्क्वायर आ गया, अंडर रूट फाइव ए स्क्वायर, तो यहाँ की जो वैल्यू आ जाएगी रूट फाइव ए आ जाएगी। तो बात समझ आई भाई, यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट फाइव ए। तो उसमें ऑप्शन में ये था रूट अंडर रूट फाइव ए। तो इस तरीके से तीन ऑप्शन तो ये थे, चौथा और भी था, इन नन ऑफ दीज, तो ये आंसर सही था, जो कि जो है मोस्टली बच्चों ने ये आंसर टिक कर रखा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।